हरे कृष्णा, सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं, दामोदर मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कार्तिक मास में हमें भगवान दामोदर को दिया ऑफर करना चाहिए, तो हम सभी जगह दिया लेकर नहीं जा सकते। तो मैं आज बताऊंगा कि हम हमारे घर की जो तुलसी सूख गई है उससे हम दिया कैसे बनाएं, बाती बना सकते हैं और उसे दिए के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो आज आपको हमें दिए की बाती बना तुलसी की लकड़ी से बाती बनाना सिखाऊंगा। ये देखिए, देखिए भक्तों, ये तुलसी की लकड़ी है और ये रुई है। इसको आपको ऐसे मस्त अच्छे से यूँ फैला देना है और फिर तुलसी को ऐसे रख के फिर इसको ऐसे घुमाते रहना है। एक हाथ से तुलसी की लकड़ी को घुमाएं और दूसरे हाथ से ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। ये बन गई आपकी बाती। अब इसको आप घी में या तिल के तेल में डुबोकर एक डब्बी में रख दीजिए सबको। ये देखो इतनी सारी बन गई है, इसको एक डिब्बी में रख दीजिए। फिर कहीं सुबह शाम जब आप कहीं भी बाहर हो ना, तो इसको आराम से आप भगवान दामोदर को आप ऑफर कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हम आपको हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। हरे कृष्णा, एक बार फिर से आपको दामोदर मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हो वृंदावन धाम की।